वार्ड संख्या 21-12 बटे 2023 कंप्यूटरकृत वार्ड संख्या 3-20-10-33-000-21-12 सरकार बनाम साबुद्दीन उर्फ साबु आदि का भवन दुकान को पूर्ण किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश से उक्त मकान का रिसीवर उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 4 छात्र अभियुक्तों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इनकी 3,77,78,500 रुपए की संपत्ति को कुर्की किया है। ये संपत्ति देह व्यापार और गौकशी करने वालों की कुर्क हुई है। डीएम और डीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त 2 अभियुक्तों की जिला अधिकारी के आदेश से 1,76,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। वहीं संडिला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 अभियुक्तों की गौवंश अधिनियम के तहत चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर लगाम लगाना जारी रहेगा। जिले में आपराधिक घटनाओं पर पुलिस ने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज दिनांक 17-10-2023 को अतरौली थाने से संबंधित अभियुक्त जो अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त थे पुल्लू पुत्र चुन्नीलाल सोनू पुत्र भूरे की चल अचल संपत्तियां जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से 1,76,500 रुपए की संपत्ति कुर्की गई है। और दूसरा प्रकरण संडीला थाने में गोवध अधिनियम के अभियुक्त जो जौनपुर के निवासी हैं शहाबुद्दीन उर्फ साबु और समीम पुत्र मोहम्मद सलीम की संपत्तियां 2,01,68,000 रुपए, कुल संपत्ति है 3,77,68,000 रुपए 500 की गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से पुलिस द्वारा कुर्क की गई है। पुलिस की देह व्यापार और गौकशी करने वाले अपराधियों पर की गई कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।